हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल GoDigit। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं कॉलम एंड रोज को एक्सेल में, एंड सेकंड इज डिलीट कैसे करते हैं रो को और कॉलम को। तो हम अपनी एक्सेल शीट ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट ओपन कर ली है। मैंने यहाँ पे डेटा क्रिएट किया हुआ है अपनी एक्सेल शीट पे। तो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे अपनी रो इंसर्ट करनी है। ये सेकेंड रो है, मुझे इसके ऊपर इंसर्ट करनी है। तो मैं इस सेकेंड वाली पूरी रो को सिलेक्ट कर लूंगी। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। देन आप देखेंगे होम वाले ऑप्शन में इतने सारे जो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे इंसर्ट है। आप इसको इंसर्ट कर दोगे, क्लिक करोगे इंसर्ट, तो ये ऊपर आ गई, पूरी रो आ गई है मेरी। अगर आपको एक और ऐड करनी है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। आपको जितनी चाहे आप उतनी ही इंसर्ट कर सकते हो आप रो। देन इन द सेम वे अगर मुझे कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है कॉलम, लेट सपोज मुझे बी से पहले चाहिए, तो मैं बी वाले उसको पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे बी पे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो गई। देन सेम वे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो गई। अब लेट सपोज यहाँ पे अब हमें डिलीट करनी है रो को। मैंने यहाँ पे दो ऐड कर दी थी, इंसर्ट कर दी थी मैंने रोज, अब मुझे एक डिलीट करनी है। लेट सपोज मुझे थर्ड वन डिलीट करनी है, तो मैं थ्री पे क्लिक करूंगी, तो ये मेरी पूरी रो हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे इंसर्ट के साथ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर डिलीट पे क्लिक करूंगी मैं, तो ये डिलीट हो गई। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करा, डिलीट हो गई। देन अब मुझे कॉलम डिलीट करना है, यहाँ से मुझे ये वाला करना है, ये ब्लैंक आ रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना, मुझे अपना ये डिलीट करना है। तो सेम मैं बी पे क्लिक करूंगी, पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई मेरी। अब यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करो, अभी डिलीट हो गई। तो आज मैंने आपको दिखाया कि हम रोज और कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, देन अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।